हेलो एवरीवन, सुमेधा बिरमानी दिस साइड वेलकम्स यू ऑल टू माय चैनल. व्हाई माय चैनल? द रीज़न आई स्टार्टेड दिस चैनल ट्राई टू स्प्रेड इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड मेक पीपल फाइनेंस लिटरेट इज माय इनिशिएटिव टूवर्ड्स इट थ्रू दिस चैनल. फॉर दिस आई डिज़ाइन अ कोर्स लर्निंग स्टॉक मार्केट विद सुमेधा बिरमानी just from the basic where you learn in a very systematic manner. So today I am going to start my lecture first on stock basics of stock market. So let's get started. Okay, first let us see what I am going to discuss in this video. The meaning of stock market. Next we have demat and trading account. Can we have multiple demat account? The meaning of stock exchange, stock broker, and last but not the least, power of attorney. Let them understand one by one. Stock market. Stock market एक ऐसी place है जहाँ पर हम companies के shares को buy और sell करते हैं. Stock market में trade करने के लिए we need a demat and trading account. So let us understand them one by one. Demat is simply an account that allows you to hold your shares in an electronic format, whereas trading account is actually used to place buy or sell orders in the stock market. Wait, let me simplify it for you. अगर आपको किसी कंपनी के शेयर बाय करने हैं, then the money from your bank account transfer होगा आपके trading account में, जिससे आप शेयर purchase करोगे. Once you purchase, तो जो शेयर्स आपने परचेज किए हैं विल शो इन योर डीमेट अकाउंट. डीमेट अकाउंट में आपके जो शेयर्स परचेज हैं वो शो होते हैं, वाइल जो एक्चुअल बाय और सेल प्लेस होता है वो आपके ट्रेडिंग अकाउंट से होता है. आई होप इट इज़ क्लियर नाउ. नेक्स्ट वी हैव, कैन वी हैव मोर देन डीमेट अकाउंट? सो द आंसर इज़ येस. यू कैन ओपन मोर देन वन डीमेट अकाउंट बट विथ डिफरेंट ब्रोकर्स. जस्ट लाइक यू हैव मल्टीपल बैंक अकाउंट्स बट विथ different banks, similarly you can also open more than one demat account but with different broker. Next we have stock exchange. Stock exchange provides us a platform where investors buy and sell securities with each other. There are two famous stock exchange in India are NSE, National Stock Exchange, which was established in 1992. Index of NSE is Nifty. Let us understand the meaning of index. Like अगर हमें किसी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट पता करना है, उसके लिए हम कंपनीज के शेयर की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं. बट स्टॉक मार्केट में थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज लिस्टेड हैं, राइट? तो हम सबको ट्रैक करेंगे तो इट्स अ डिफ़िकल्ट प्रोसेस. तो सबके लिए एज अ सैम्पल ऑफ कंपनीज लिया जाता है जो सारे कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है. दी सैम्पल्स आर कॉल्ड इंडेक्स. सो द NSE का इंडेक्स है निफ्टी और 50, जो कि सारी 50 कंपनीज, सारी जो लिस्टेड हैं NSE पर वो रिप्रेजेंट करती हैं. नेक्स्ट वी हैव डिपॉजिटरी. डिपॉजिटरी हमारे शेयर्स को होल्ड करके रखती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने NSE पे लिस्टेड किसी कंपनी का शेयर बाई किया, तो वो जो शेयर आपने परचेज़ किया है वो NSDL पर होल्ड होगा, दैट इज़ नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. नेक्स्ट वी हैव BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1875. BSE इंडेक्स इज सेंसेक्स 30, जो कि सारी लिस्टेड कंपनी BSE की 30 कंपनीज रिप्रेजेंट करती हैं. The depository of BSE is CDSL, Central Depository Services Limited. Similarly, जैसे ही आप किसी BSE पे लिस्टेड कंपनी के शेयर बाय करते हो, तो जो शेयर आपने बाय करे हैं वो आपके CDSL पे होल्ड होते हैं. जस्ट लाइक आपने जो शेयर बाय किए हैं वो आपके डीमेट अकाउंट में शो होते हैं, होल्ड होते हैं, ऐसे ही BSE पर CDSL पर होते हैं. आई थिंक इट इज़ क्लियर. नेक्स्ट वी हैव स्टॉक ब्रोकर. As we can't directly trade on NSE or BSE, तो हमको we need a stock broker. तो stock broker is a professional or we can say a member of stock exchange who execute buy or sell orders on our behalf. There are multiple stock brokers available in India, like you can see in the screen also, Zerodha, Upstocks, Angel Brokerage, Indian Infoline, Motilal, Sher Khan, 5paisa, HDFC Securities, ICICI Direct and so on. With them, you can easily open your demat and trading account with them. Okay.
नेक्स्ट वी हैव पावर ऑफ अटॉर्नी. वट इज़ पावर ऑफ अटॉर्नी? जब आप किसी वेट जब आप डीमेट अकाउंट खोलती हो किसी ब्रोकर के साथ, तो आप उसको एक फॉर्म रिटर्न में सबमिट करती हो कि आप उसको परमिशन देती हो कि वो आपके बिहाफ पर आपके शेयर्स को सेल कर दे. बट इन प्लेस ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी वी हैव ई डिलीवरी इंस्ट्रक्शन स्लिप इज़ ऑल्सो अवेलेबल नाउ. इस स्लिप में क्या होता है, यू नॉट नीड टू सबमिट अ पावर ऑफ अटॉर्नी फॉर एवर फॉर विद द स्टॉक ब्रोकर. इसमें आप जब भी किसी शेयर को सेल करोगे तो आप एक OTP जनरेट होगा जो कि या तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आएगा या आपके मेल आईडी पे आएगा. आप जब उसको टाइप करोगे तो आप अपना जो शेयर है वो सेल कर पाओगे. That's all for today. I hope you people enjoyed it. Do like and subscribe my channel and share with your friends, your relatives, your loved ones on Instagram, WhatsApp, Facebook, wherever you want, and be a part of my initiative, Make People Finance Literate. And I'll see you in the next video.